नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही आम पर महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो है विटामिन बी12 की कमी। क्या आप पिछले कुछ दिनों से थकावट ज्यादा महसूस कर रहे हो, फोकस करने में दिक्कत आ रही है, तो ये सारे लक्षण हो सकते हैं विटामिन बी12 की कमी के। विटामिन बी12 होता क्या है और इससे कैसे कम कर सकते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं विटामिन बी12 होता क्या है। ये एक ऐसा पोषक तत्व है जो हमारे बॉडी के रोज के कामों में मदद करता है। विटामिन बी12 के वजह से नर्व सेल्स और रेड ब्लड सेल्स अच्छी तरीके से काम कर पाती हैं, और हाँ, डीएनए बनने में भी विटामिन बी12 का हाथ होता है। अब जानते हैं विटामिन बी12 होने के कुछ कारण। अगर आप शाकाहारी हैं या वीगन हैं तो विटामिन बी12 की कमी हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर नेचुरल सोर्सेज जो होते हैं वो मीट, चिकन या एग्स होते हैं, जो वेजिटेरियंस नहीं ले पाते। दूसरा कारण है इनडाइजेशन। कुछ भी अगर आपको पेट की रिलेटेड समस्या है तो विटामिन बी12 का एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से डेफिशिएंसी हो सकती है। तीसरा कारण है कुछ मेडिकेशंस, जैसे कि एंटासिड, जो बार बार बहुत देर तक लेने से विटामिन बी12 का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। अगर बॉडी में विटामिन बी12 की कमी है तो कुछ लक्षण दिखते हैं, जैसे कि पूरा नींद लेने के बावजूद भी आप बहुत थकान महसूस करते हो, चीज़ें भूलने लगते हो, हाथों में पैरों में झंझनाहट महसूस होती है। इसके अलावा बार बार मुँह में छाले आने लगते हैं। अगर विटामिन बी12 की कमी को टाइम से ठीक नहीं किया तो इसका गंभीर असर आपके शरीर पे हो सकता है। इसके वजह से कई कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, जैसे कि नर्व डैमेज, हार्ट डिसीजेस, मेंटल डिसीजेस लाइक डिप्रेशन, और बच्चों में डेवलपमेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं। जो नॉनवेज खाते हैं वो लोग अपना मीट का इंटेक अगर इंक्रीज कर दे तो विटामिन बी12 की कमी कम हो सकती है, लेकिन वेजिटेरियंस के लिए इसके लिए ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। तो फर्मेंटेड फूड कुछ हद तक हेल्प करता है, या फिर आपके डॉक्टर की सलाह से आप विटामिन बी12 के सप्लीमेंट भी शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों, इस प्रकार विटामिन बी12 को बनाए रखने के लिए आपके खाने पीने पर ध्यान रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।